हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? सखीरी सावन आयोरी मोरा भीके का तन भीगाऊंगी मन, मेरे भोले को मनाने का मौसम आयोरी सखीरी सावन आयोरी। दोस्तों, सावन का महीना और सावन माह में इस बार चार सोमवार पड़ रहे हैं, जो बहुत ही अद्भुत संयोगों में आए हैं। सावन में दो सोमवार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को रहने वाले हैं। इनमें से दो सोमवार के साथ प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है और प्रदोष व्रत को लेकर पौराणिक तथ्य ऐसे आते हैं कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार एक अधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ की भावना अधिक होगी और मनुष्य सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कामों को अधिक करेगा, उस समय जो व्यक्ति त्रयोदशी का यानी प्रदोष का व्रत करेगा, शिव आराधना करेगा, उस पर शिव जी की कृपा बरसेगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकलकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा की जाती है और आपको बता दूं कि जब सूर्य अस्त होता है उससे 45 मिनट पूर्व और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक इस दिन पूजन किया जाता है। इस पूजन को करने से, इस व्रत को करने से रोजगार मिलता है, पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, शादी विवाह की समस्याएं जीवन से दूर होती है, काम धंधा हो सभी चीजों में सक्सेस मिलता है, रोगों से छुटकारा मिलता है। किसी प्रकार किसी ने कुछ किया धरा हो तो उससे इंसान को बाधाओं से, प्रेत बाधा आदि से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शिव जी की पुण्य कृपा प्राप्त करने का समय है और किसी भी चीज का जीवन में अभाव नहीं रह जाता, इसलिए जो लोग भी आर्थिक संकट का सामना करना कर रहे हैं उन्हें इस प्रदोष व्रत को जरूर करना चाहिए। और अविवाहित युवक युवतियों को खासकर, आप सभी मुझसे बहुत उपाय पूछते हैं, आपको मैं बता दूं कि ये प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए, इससे आपको योग्य वर वधु की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भगवान शिव मोक्ष के दाता हैं, ज्ञान के दाता हैं और अध्यात्म की राह पर जो भी चलते हैं उन्हें शिव जी से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इस व्रत को जरूर करना चाहिए। व्रत ना भी करें तो भी मैं उपाय बताऊंगी कि क्या क्या आप कर सकते हैं, उपाय जिससे आप बाबा भोलेनाथ से कनेक्ट कर सकते हैं। और सावन माह का पहला सोमवार बीत चुका है, दूसरा सोमवार आने वाला है और 2019 में ये 29 जुलाई को पड़ेगा और इस दिन सोम प्रदोष व्रत रहेगा। इस दिन शिव और पार्वती साथ साथ पृथ्वी पर विचरण करेंगे और शिव जी को समर्पित त्रयोदशी सर्व दोषों का नाश करने वाली है और इस दिन समस्त दिव्य शक्तियां शिवलिंग के अंदर समा जाती है, इसीलिए इसे प्रदोष कहते हैं। इस दिन प्रदोष काल में सिर्फ शिवलिंग के दर्शन से सर्व जन्मों के पाप मिट जाते हैं और बिलपत्र चढ़ाकर अगर आप दीप जलाते हैं तो करोड़ों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं। रजत पता है किसको कहते हैं? चांदी को कहते हैं। और शास्त्रों के अनुसार महादेव ने सती को प्रदोष का महत्व समझाते हुए कहा था कि कलयुग में प्रदोष ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे सटीक मार्ग रहेगा। सोम प्रदोष करने से मनुष्य के मानसिक विकार दूर होते हैं, जमीन जायदाद में लाभ होता है और शाम के समय शिवालय में जाकर के सफेद शिवलिंग का अगर इस दिन विधिवत पूजन करते हैं तो ये बहुत चमत्कारी होता है। गौघृत का दिया जलाएं, चंदन की अगरबत्ती जलाएं, सफेद कनेर के फूल चढ़ाएं, सफेद चंदन से त्रिपुंड बनाएं, रात रानी का इत्र चढ़ाएं, चावल की खीर का भोग लगाएं और विशेष मंत्र बताऊंगी उसका आपको एक माला का जप करना चाहिए। इस दिन रुद्र अभिषेक अगर करते हैं, रुद्र अभिषेक की विधि मैंने दूसरे वीडियो में घर पर किस आसान विधि से आप कर सकते हैं वो वीडियो के एंड में मैंने लिंक दे दिया है, आप उसमें जरूर देखें किस प्रकार से घर में आप शिव जी का अभिषेक करें और इससे मानसिक शांति, गृह कलेश, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं सभी जीवन से दूर होती है। जो लोग भी सोम प्रदोष में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं तो माना जाता है कि महादेव आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराते हैं। और लड़का हो या लड़की हो, अगर आपकी शादी में अड़चनें आ रही है तो विवाह की अड़चनें दूर होती है। अगर पति पत्नी के अलगाव तक की नौबत आ गई है, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है तो वो खत्म हो जाती है। और जो लोग भी संतान नहीं है, संतान की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए।
पंचगव्य क्या क्या होता है पता है ना आपको? गौमूत्र, गाय का जो 5 चीज होता है, दूध, दही, घी और गौमूत्र और गोबर मिला करके उससे महादेव जी का अभिषेक किया जाता है। जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और कारोबार में सफलता की कामना हो उनको इस दिन दूध से अभिषेक करना चाहिए और फिर शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए, इससे भी प्रत्येक काम में सफलता मिलती है। दोस्तों सोम प्रदोष व्रत जो लोग करना चाहते हैं, व्रती हैं, उनको सुबह सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करके शिव जी का पूजन करना चाहिए। पूरे दिन मन मन में ओम नमः शिवाय का जप करें, नराहार रहें और शाम के समय यानी प्रदोष काल में सूर्य अस्त से 3 घड़ी पहले शिव जी का पूजन करना चाहिए। यूजुअली टाइम होता है 4:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। शाम को जब आप पूजा करने जाएंगे तो आपको दोबारा से स्नान करके सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए और अपने पूजा स्थल या पूजा गृह को शुद्ध कर लें। और चाहें तो आप शिव मंदिर में भी जाके पूजा कर सकते हैं। 5 रंगों से रंगोली बनाई जाती है और मंडप तैयार करके सभी सामग्री आपको जो शिव जी की पूजा का जैसे रुद्राभिषेक करते हैं आप एक जगह कर सकते हैं और कुश के आसन पर बैठ कर शिव जी की पूजा विधि विधान से आपको करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जल अर्पित करें, हाथ जोड़कर शिव जी का ध्यान करें। हे करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीलकंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी हमारे सारे कष्टों को दूर कर हमें सुख समृद्धि प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से हाथ जोड़कर आपको ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद सोम प्रदोष व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। आप चाहें तो दूसरों को भी सुनाएं। जो लोग अभी कथा सुनना चाहते हैं वो वीडियो के एंड में लिंक दूंगी, वीडियो के एंड में मैं आपको सुनाऊंगी, आप सभी सुन सकते हैं। कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11, 21 या 108 बार ओम रिम क्लिम नमः शिवाय स्वाहा इस मंत्र से आपको आहुति देनी चाहिए। इसके बाद शिव जी की आरती करें, अपने जितने लोग हैं आपके साथ सभी को आरती आदि दें, सभी को प्रसाद वितरण करें, फिर भोजन करें। ध्यान रखें इस दिन नमक नहीं खाते हैं, भोजन में केवल मीठी सामग्रियों का प्रयोग करें। प्रदोष व्रत करने के लिए सुबह ही आपको कुछ काम है जो ध्यान रखना चाहिए। सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए और इस दिन व्रत में आहार नहीं लिया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। पूजा में जो बैठेंगे तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए और भगवान की जलेरी जो होती है यानी कि जिसमें जल चढ़ाते हैं उसकी दिशा उत्तर की ओर होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो लोग भी उद्यापन करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, ये अभी सावन के महीने में व्रत उठा सकते हैं सोम प्रदोष का। वो 11 या फिर 26 त्रयोदशी का व्रत करने के बाद उद्यापन करें और त्रयोदशी तिथि को ही उद्यापन करें, इस बात का ध्यान रखें। सुबह उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्र रंगोली से सजाएं और ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार जप करके हवन करना चाहिए। हवन में खीर की आहुति का प्रयोग करेंगे और भगवान भोलेनाथ की आरती करें, शांति पाठ करना चाहिए और फिर एंड में आपको 2 ब्राह्मणों को भोजन करा करके अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ये तो वह पूजा विधि। अब जो लोग पूजा नहीं कर सकते, जरूरी नहीं कि आप व्रत कर पाएं, तो ऐसे में आपको मैं छोटा छोटा उपाय बताती हूँ जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। सभी लोगों से एक बहुत ही खूबसूरत उपाय बता रही हूँ, वो है आपको कांजू लेने हैं जो आप खाते हैं, कांजू 4 कांजू आपको लेने हैं और इसको इस दिन आपको भगवान शिव के सामने आपको बैठ जाना है। आपके पास जो भी शिवलिंग हो उसके सामने रखें, नहीं हो तो मिट्टी से एक बार आप शिवलिंग का शेप दे करके वहाँ बैठ करके उसका पार्थिव शिवलिंग बना करके आप अभिषेक करें। थोड़ा सा नॉर्मल जल, दूध, आपके पास जो जो अवेलेबल है, कुछ ना हो तो सिर्फ जल चढ़ाएं और उसके बाद आप वहीं बैठ करके 108 बार, रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से, नहीं तो आप बेर के दाने ले सकते हैं, 108 बार आपको ओम उमा सहित शिवाय नमः, क्या बोलेंगे, ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। इसके बाद आप शिव जी के आगे हाथ जोड़कर मनोकामना बोलें, जो भी आपकी इच्छा हो। ध्यान रखें आपको नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है और 4 कांजू आपको जो आपने वहां रखे हैं बाबा के सामने उसको आपको उठा करके घर के वायव्य कोण में छुपा देना है। वायव्य कोण कौन सा होता है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस होता है।
यानी उत्तर पश्चिम जो कोना होगा आपके घर का, वो होता है वायव्य कोण। वहां पर आपको कहीं पर भी इसको छुपा के रख देना चाहिए। और ध्यान रखें, अगर आंकड़े के फूल आपको मिलते हैं इस दिन, तो आपको आंकड़े के फूल जरूर चढ़ाने चाहिए, और एक आंकड़े का फूल उस कांजू के साथ आपको जरूर दबाना चाहिए। वो जरूरी नहीं है, नहीं मिले तो आप पीपल का पत्ता भी यूज कर सकते हैं, पीपल का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं, और कुछ ना मिले तो सिर्फ कांजू छुपा करके रखें, ये भी बहुत होता है। साथ ही साथ आपको एक और मनोकामना पूर्ति का बहुत ही खूबसूरत उपाय बताती हूँ। अक्षत थोड़े से हाथ में लेकर के, और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है, शिवलिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप चुपचाप थोड़े से अक्षत ले लें, यानी बिना टूटे हुए अखंडित चावल आपको लेने हैं, और फिर श्रीम सोमेश्वराय नमः, क्या बोलेंगे, श्रीम सोमेश्वराय नमः, इस मंत्र का आप बैठ करके 108 बार जप करें, और थोड़े से कपूर और ये वाले चावल आप जो आपने सिद्ध किए हैं इसको लेकर के आप बाबा की आरती करें। नहीं है तो आप मन ही मन वहीं पे बैठ के उत्तरमुखी होकर के आप शीश दंग हृदंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, इस प्रकार से आप फोटो हो, तस्वीर हो, मोबाइल में फोटो निकाल लीजिए, आपको इस तरह से उनकी आरती करना चाहिए। और फिर अगर 13 सफ़ेद फूल आपको मिल जाते हैं तो वो चढ़ाने हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अक्षत और कपूर से इस तरह से आरती ज़रूर करनी चाहिए। आप देखेंगे आपके घर की सभी प्रकार की नेगेटिविटी घर से दूर हो जाती है, सुख संपत्ति का वास होता है, खासकर पति पत्नी के अगर झगड़े हैं तो ये इससे दूर होते हैं, घर से कलेश मिटता है, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बच्चे सभी घर में आगे बढ़ने लगते हैं, आपके घर में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी आप खुद देखेंगे। इस प्रकार से अगर हर सोमवार को आप कर सकते हैं या फिर रोज करें सावन में, ये भी आपके लिए बहुत लकी हो सकता है। ध्यान रखें कुछ बातों का कि साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही शिव जी की पूजा की जाती है, बासी पुराने वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए। किसी भी प्रकार के गलत विचार, आपको कहीं पे भी मंदिरों में जाएंगे, इतने आप लड़के हैं अगर तो लड़कियों को देखकर, लड़की हैं तो लड़कों को देखकर, किसी प्रकार के गलत भाव विचार आपको मन में नहीं आने देना चाहिए। आप गए हैं अपने आप को बाबा को सरेंडर करने को, आप एक अलग आत्मा हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और वहाँ पर सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपने लिए आपको पूजन करना है, बाबा से कनेक्ट करना है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा, इसलिए जाया ना करें अपना टाइम इधर उधर ताकने में, सिर्फ पूरी शिव भक्ति में सच्चे दिल से आप उनका पूजन करें, आप देखिए बाबा कैसे आपकी सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। सारे व्रत विधान में अपने आप को भगवान शिव को आपको समर्पित कर देना चाहिए, घर में हो सके, देखिए हो सके बोल रही हूँ क्योंकि बड़ी फैमिलीज होती है या जैसे भी फैमिलीज होती है सब मनमौजी होते हैं, लोग लड़ाई झगड़े सबके घरों में होने लगते हैं कि नहीं प्यार लहसुन नहीं बनेगा, नॉनवेज नहीं बनेगा, तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। जब आप बाबा से कनेक्ट कर रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं, पूरा परिवार नहीं कनेक्ट कर रहा है, इस बात को आप समझ के रखें और आप अपने में सात्विकता बरतें, हो सके तो तामसिक भोजन, प्याज लहसुन आदि का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। घर में बिल्कुल किसी प्रकार से किसी भी बात को लेकर के कलह ना करें, कलेश ना करें, और जो लोग भी नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए, जॉब्स के लिए, जॉब में प्रमोशन के लिए, अगर दुकान है दुकान में उन्नति के लिए कस्टमर्स नहीं आते, क्लाइंट्स नहीं आते, उसके लिए कोई नया प्लांट आपने इस्टेब्लिश किया, कोई इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया है, उन सभी के लिए आपको एक छोटा सा व्रत इस सोम प्रदोष को या सावन में किसी भी सोमवार को आप कर सकते हैं। अगर सरकारी नौकरियों में खासकर अगर आपको दिक्कत आ रही है इस प्रकार के कोई भी चीज़, तो शाम के समय आपको प्रदोष काल में पूजन करना चाहिए। 4:30 से 7 का मैंने समय बताया है। भगवान शिवलिंग को पहले आप जल में कच्चा दूध मिला लें, कोई भी पीतल का, ध्यान रखें तांबे के लोटे में दूध नहीं लेते हैं, इसलिए पीतल या आपके पास कुछ ना हो तो स्टील का ग्लास ही ले लें, उसमें कच्चा दूध और जल मिला लें, और फिर शिवजी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से बोलते हुए आपको स्नान करना कराना चाहिए। इसके बाद आपके पास चंदन है तो चंदन आप चढ़ाएं बाबा को, घसकर सफ़ेद चंदन से आप उनको त्रिपुंड बनाएं, तिलक करें, और कुछ नहीं है तो चंदन का आप शुद्ध चंदन का ध्यान रखें, इत्र आप उनको अर्पण करें। इसके बाद देसी घी का एक दिया जलाएं और अपने प्रणाम करके अपनी प्रार्थना को बोलें, और फिर आप एक नींबू लेकर के जाएं और वहाँ उस नींबू को काट करके आपको उसमें 4 लौंग गाड़ देने हैं। अब वहाँ से आपको इस नींबू बाबा पे नहीं चढ़ाना है, ध्यान रखें वहीं बैठ करके सिर्फ ये उपाय करना है, और उस नींबू और लौंग को ला करके आप अपने घर तक लेके आए, वहाँ पर आकर के आप इसको अपने घर पे 7 दिन रखे रहेंगे, और अगले सोमवार तक या अगले प्रदोष तक या जिस भी दिन आप रख रहे हैं, किसी भी दिन रख सकते हैं, अगले 7 दिनों तक अपने घर में उसको अपने रूम में रखने दें, बेडरूम में रहने दें, और फिर उसको 7वें दिन या तो बहते जल में प्रवाहित कर दें या फिर आप उसको कहीं गाड़ दें।
आप देखेंगे सभी प्रकार की नौकरी हो, काम धंधे की परेशानी हो, बिजनेस हो, व्यवसाय की परेशानी हो, सभी की चिंता आपके जीवन से दूर हो जाती है। जो लोग भी परिवार की सुख शांति के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करना चाहते हैं, आपके जीवन में पापी ग्रह आपके दाम्पत्य जीवन पे आके बैठ चुके हैं, तो आपको 5 लाल गुलाब के फूल की माला लेनी है। क्या करना है, 5 लाल गुलाब ले लें, उसको माला जैसे बना लें और पति पत्नी मिल करके शाम के समय भगवान शिव को ओम नमः शिवाय बोलते हुए 27 बार आपको ओम नमः शिवाय बोलना है और फिर इसको आपको बाबा को अर्पण करना है। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और अगर किसी निर्धन कन्या को विवाह में आप कुछ खाने की सामग्री गिफ्ट करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग भी बीमार हैं, रोग मुक्ति से पाना चाहते हैं, वो सफ़ेद चंदन में गंगा जल मिला करके इसका लेप सोम प्रदोष के दिन शाम के समय बाबा के शिवलिंग पर करें और गाय के घी का दिया जलाकर रोग शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद थोड़ा सा चंदन ले करके बाबा के शिवलिंग से वो आपको अपने शरीर पर लगाना चाहिए। दोस्तों ये तो वह मैंने छोटे छोटे उपाय बताए हैं। आगे जो लोग भी बाबा के सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनना चाहते हैं उनको मैं सुना देती हूँ, क्योंकि इसको सुनने मात्र से मनुष्य में सुविचार आते हैं, मनुष्य के जीवन में सकारात्मकता का वास होता है, सिद्धियाँ प्राप्त होती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सुन लेते हैं, बोलिए भोलेनाथ की जय। सोम प्रदोष व्रत कथा हम शुरू करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया, उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षा मांगकर ही ब्राह्मणी स्वयं और पुत्र का पेट पालती थी और एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई और वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसे राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वो मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा और एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई और उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी, उस व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के दिन फेरते हैं, इस बात का विश्वास रखें। आज के लिए इतना ही। कथा यहीं संपूर्ण होती है। बोलिए भोलेनाथ की जय। शिव शंकर भोलेनाथ की जय। आज के आनंद की जय। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियोस से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की।